हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स एंड पीसेस ऑफ लाइफ देवश्री। सो अबू धाबी से निकल के अब मैं पहुंच गई थी दुबई। काफ़ी लेट नाइट मैं यहाँ पहुंची थी। होटल में कर लिया था चेक इन और ये रहा मेरे रूम का एक छोटा सा टूर। होटल डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड यस, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे लास्ट सभी वीडियोज़ को इतना पसंद करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करने के लिए। बट अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट कि आप अपकमिंग वीडियोज़ को मिस ना करें। बस अब चेक इन करने के बाद फ्रेशन अप होके मैं चली गई थी सोने। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुबई। यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट के साथ मैंने करी अपने दिन की शुरुआत और फिर मैं निकल गई अपने फर्स्ट डे दुबई सिटी टूर के लिए। आई एम श्योर दुबई हम सबके मन में एक ड्रीम डेस्टिनेशन तो होता ही है, बिकॉज यहाँ हमें मिलता है ढेर सारा एडवेंचर, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग टू मॉडर्न कल्चर। तो चलिए आज मैं आपको सबसे पहले लेकर चलती हूँ म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। एंटर होने पे आपके हाथ में एक बैंड पहनाया जाएगा जिससे आप टैप करके एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। एंड नाउ लुक एट द इंटीरियर। आप अगर यहाँ आएंगे तो आई एम श्योर आपको यहाँ से जाने का मन तो डेफिनेटली नहीं करेगा। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इज अ 7-story बिल्डिंग जिसको डिवाइड करा गया है 5 डिफरेंट चैप्टर्स पे। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर शोकेस करता है हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट्स को। अप्रोक्सीमेटली बाई 2071 दुनिया में किस तरीके की आईटी डेवलपमेंट्स होंगी, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारे रोबोटिक सिस्टम्स कैसे होंगे, व्हीकल्स किस तरीके के होंगे, आईटी एंड एआई का यूज़ हमारे एवरीडे लाइफस्टाइल में कैसा होगा, न्यू गेम आइडियाज़, गैजेट्स, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर पे मैं गई थी स्पेस में इन अ आर्टिफिशियल स्पेस कैप्सूल, जहाँ मैंने एक्सपीरियंस करा सोलर सिस्टम, गैलेक्सी एंड लाइफ इन स्पेस। नाउ दिस इज द सेकेंड चैप्टर विच इज़ अ डीएनए लैब, जहाँ आपको मिलेगा मोर देन 2000+ स्पीशीज के डीएनए। एंड नाउ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर द डे इज दुबई फ्रेम, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट है 150 meters एंड इस बिल्डिंग में दो पिलर्स को ज्वाइन करा गया है एक ब्रिज से जिसका लेंथ है 93 meters लॉन्ग। दुबई फ्रेम के ग्राउंड फ्लोर में आपको मिलता है एक म्यूजियम जो शोकेस करता है वहाँ के हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट को। देन दे विल टेक यू थ्रू अ लिफ्ट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जहाँ पे आपको एक ग्लास का ऐसा वॉकवे मिलेगा वेयर यू कैन वॉक एंड एंजॉय द व्यू। यहाँ से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं टू साइड्स ऑफ दुबई, दिस इज ओल्ड दुबई एंड द न्यू दुबई, द प्रेजेंट दुबई। यहाँ से आपको मिलता है दुबई सिटी का एक 360-degree व्यू एंड अ व्यू ऑफ बुर्ज खलीफा। आई विल रिकमेंड कि आप दुबई फ्रेम सनसेट के टाइम जाएं अराउंड 4 to 5 PM बिकॉज सनसेट का व्यू यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। विद दिस मेरा फर्स्ट डे ऑफ दुबई टूर होता है यहाँ पर खत्म। मैं करूँगी आज थोड़ा रेस्ट और आप लोगों से मिलूंगी बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में कुछ और ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग दुबई लोकेशंस के साथ। तब तक आप इन टिप्स को फॉलो करें इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप टू दुबई एंड मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट कि आप नेक्स्ट वीडियो ना मिस करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कुछ और अमेजिंग एंड आइकॉनिक दुबई लोकेशंस का। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।